अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप लोग सब ठीक होंगे। तो आज की वीडियो जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक होम रेमेडी लेके आई हूँ, जिसमें मैं आप लोगों को एक मैजिकल लोशन जो है वो बनाना सिखाऊंगी। ठीक है, तो आप लोग ये देख सकते हैं कि मैं अपने हाथ पे जो है आप लोगों को अप्लाई करके दिखा रही हूँ। ठीक है, और ये बहुत ही मज़े का मुझे लोशन लगा। तो मुझे किसी ने बताई थी ये रेमेडी, तो मैंने आप लोगों के साथ इसको शेयर करना ज़रूरी समझा। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये मेरे पास एक बॉटल है, इसके अंदर मैंने ये वाला लोशन जो है मैजिकल लोशन का आप इसको नाम दे दें तो मेरे ख्याल में ये गलत नहीं होगा। ठीक है, तो ये मैजिकल लोशन मैं आप लोगों के साथ जो है वो शेयर करूंगी, और ये बहुत ही अच्छा लोशन है और बहुत ही ज़्यादा मॉइस्चराइज़ करेगा आपकी स्किन को, और लगाने के बाद आप लोगों को फौरन ही इसका जो है एक ग्लो नज़र आएगा, जो आप लोग जो है मेरे हैंड पे इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर हमें जो जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए, इसके अंदर हमारे पास है निविया का जो है मैं एक लोशन ले रही हूँ वो यूज़ करूँगी। ठीक है, और इसके अलावा जो है मैं इसमें सिकोन विटामिन सी यूज़ करूँगी और ग्लिसरीन। ये तीन इंग्रेडिएंट्स जो हैं जो आज की रेमेडी में मैं आप लोगों के साथ जो शेयर कर रही हूँ उसमें यूज़ होंगे। ठीक है, इसके अलावा ये जो आप लोगों को सिकोन के जो ये ड्रॉप्स हैं, ये आप लोगों को मेडिकल स्टोर से 35 रुपीज़ तक जो है मिल जाएंगे। ठीक है, और ग्लिसरीन भी आप लोग किसी भी मेडिकल स्टोर से ले सकते हैं। तो इस वीडियो को जो है मैं आप लोगों को जो शेयर कर रही हूँ, आप लोग इसको ज़रूर ही ट्राई करिएगा, ये बहुत ही अच्छी है। ठीक है, और विटामिन सी हमारी स्किन के लिए वैसे भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ये एंटी एजिंग में भी हेल्प करता है, जो हमारी जो है स्किन जो है एजिंग की तरफ जा रही होती है, तो हमें ज़रूर ऐसे सीरम्स यूज़ करने चाहिए। इसके अलावा जो है ये निविया, ये आपकी स्किन को जो है वो मॉइस्चराइज़ करेगा, इसे जो है वो डल नहीं करेगा, और ये काफ़ी अच्छा है। आप लोग जो ये रेमेडीज़ बनाते हैं तो इसको आप लोग जो है थोड़ी क्वांटिटी में बना के आप लोग यूज़ कर लिया करें बाद में, क्योंकि जब ख़त्म हो जाए तो दोबारा बना लें। तो आप लोग जितना बनाना चाहते हैं, मैंने ये थोड़ा सा आप लोगों के सामने जो है ये निविया का जो है लोशन ले लिया। आप कोई भी लोशन जो आप लोग जो है आम रूटीन में घर में यूज़ करते हैं, आप लोग कोई सा भी लोशन इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद आप लोगों ने, क्योंकि सर्दियाँ हैं तो काफ़ी ज़्यादा स्किन जो है हमारी एक दो दफ़ा जो है हाथ धो लें तो काफ़ी ज़्यादा ड्राई हो जाती है, तो इसके लिए ये ग्लिसरीन जो है ये बहुत ही अच्छी है। ठीक है, ये आपकी स्किन को जो है मॉइस्चराइज़ भी करेगी, और इसके अलावा जो है आपकी स्किन को जो है सॉफ्ट करेगी, मुलायम करेगी, और पिगमेंटेशन को जो है रिमूव करने में भी हेल्प करेगी। ठीक है, आपकी जो स्किन जो है वो सॉफ्ट होगी और जो पिगमेंटेशन है उसको भी रिमूव करेगी। मैंने इसमें 2 टेबल स्पून जो है ग्लिसरीन के ऐड कर दिए। ठीक है, इसके अलावा जो है ये सिकोन, ये जो है ड्रॉप्स हैं, ये बच्चों को मतलब देते हैं जिनमें विटामिन सी की जो है वो डेफिशिएंसी होती है, ये आप लोग जो है मेडिकल स्टोर से ले सकते हैं। ठीक है, इसकी पैकेजिंग जो है, इसको ओपन करने पे एक इसमें जो है हमें ड्रॉपलेट मिलेगा और एक छोटी सी बॉटल मिलेगी। इसमें ये लिक्विड फॉर्म में विटामिन सी है। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं इस तरीके से आपको ये छोटी सी बॉटल मिलेगी इसमें, और ये इसमें लिक्विड फॉर्म में जो है विटामिन सी आप लोगों को मिलेगा। ठीक है, ये मैंने पूरी बोतल जो है वो इसमें मैं शामिल कर दूंगी। ठीक है, पूरी बोतल जो है आप इसमें शामिल कर सकते हैं। उसके बाद आप लोगों ने इसको अच्छे तरीके से जो है वो सारे मिक्सचर को आप लोगों ने क्या करना है, मिक्स कर लेना है अच्छे तरीके से। ठीक है, तो अगर आप लोग जो है इसमें थोड़ा सा लोशन और ऐड कर सकते हैं, क्योंकि ये मैंने फुल बोतल इसमें जो है ये विटामिन सी की जो थी मैंने इसमें शामिल कर ली थी। तो इसके वो मिक्स करने के बाद जो है इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो रनी हो जाती है कंसिस्टेंसी। ठीक है, तो अगर आप लोग चाहें तो इसमें जो है लोशन ज़्यादा ऐड करके इसकी कंसिस्टेंसी को थोड़ा सा थिक भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैंने जो है वो इतना थिक जो है नहीं किया, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा जो है ग्रीसी बाद में हो जाती है ग्लिसरीन की वजह से। ठीक है, तो अगर आप इसमें जो है लोशन जो है वो ज़्यादा ऐड करेंगे तो फिर जो है इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी लिक्विड फॉर्म में होगी।
तो वो अच्छे तरीके से जो है वो अब्ज़ॉर्ब हो जाएगा स्किन में, और ये पेनिट्रेट जो है आपकी स्किन में ऐसे अच्छे तरीके से करेगा कि आपकी स्किन जो है फर्स्ट टाइम अप्लाई करने के बाद ही बहुत ज़्यादा ग्लो करेगी। तो ये अब हमारा जो है ये मैजिकल लोशन जो है वो रेडी है। आप लोग इसको ज़रूर अप्लाई करें, और रात को अप्लाई करके आप अपने हैंड्स पे, अपने फेस पे अप्लाई करके इसको सो जाएं, और आप लोग देखेंगे कि कुछ ही दिनों में आपको इसके वाजिया रिजल्ट्स मिलेंगे। ये मेरे पास जो थी एक सीरम की खाली बोतल पड़ी हुई थी, तो मैंने इसमें इसको डाल लिया है। आप लोग देख सकते हैं कि इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरीके से है, और इसको लगाने के फ़ौरन बाद आप लोगों को ये इस तरह ग्लो नज़र आएगा। जहाँ भी आपके नकल्स पे पिगमेंटेशन है वो रिमूव हो जाएगी। आई होप कि आप लोगों को ये मेरी रेमेडी जो है वो बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। मज़ीद ऐसी वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दें आप लोगों को कैसे लगी मेरी रेमेडी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।